हेलो व्यूअर, दिस इज प्रिया। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। एक बार अंगा अपने स्कूल ट्रिप पे जाती है पुणे से वाराणसी। पुणे है महाराष्ट्र में और वाराणसी है उत्तर प्रदेश में। तो जो उसकी मदर है ना, वो ट्रेन स्टेशन पे उसको छोड़ने आती है और टीचर से कहती है कि मैम, इन बच्चों को आप बुद्धा के बारे में भी बताना और सारनाथ वाला जो एरिया है ना, वहाँ पर भी थोड़ा इनको घुमा देना। क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है द स्टोरी ऑफ बुद्धा। अब जो सिद्धार्था थे उनका नाम ही गौतमा था और वो बुद्धिज्म के फाउंडर थे, जिन्हें बुद्धा बोला जाता है। इनका जन्म 2500 ईयर पहले हुआ, जिस टाइम पे महाजनपदास और न्यू सिटीज भी डेवलप हो रखी थी और कुछ विलेजेस भी थे। अब काफी थिंकर्स हैं, वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि सोसाइटी में कैसे कैसे चेंजेस हुए और जो लाइफ का यानी कि जिंदगी का असली मतलब क्या है। बुद्धा जो थे वो साख्य गणा से बिलोंग करते थे, जो कि बहुत स्मॉल गणा था और ये क्षत्रिय माने जाते थे। बड़ी ही यंग एज में इन्होंने अपना घर और सारे कम्फर्ट्स छोड़ के और ज्ञान की सर्च में निकल गए, नॉलेज की सर्च में निकल गए। और इन्होंने एक पीपल ट्री के नीचे बैठकर मेडिटेशन किया, जो कि बोधगया बिहार में है। और फाइनली इनको एनलाइटमेंट मिल गया, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति ने हो गई, इसलिए इनका नाम बुद्धा रखा गया। और जो बुद्धा का मतलब होता है वो होता है वाइस वन। फिर ये सारनाथ गए, जो कि वाराणसी के पास है, और इन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया वहां पे। और फाइनली इनकी डेथ हो गई खुशीनगर में। अब जो बुद्धा ने उपदेश दिया है ना, उसमें बोला गया कि जो लाइफ है ना, वो फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस है, मतलब कि बहुत सैड है, बहुत दुखी दुख है लाइफ में, कोई खुशी है ही नहीं। क्यों? इसका रीज़न क्या है कि हमें बहुत डिज़ायर होती है, मतलब बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, हमारी बहुत सारी ज़रूरत होती हैं जो कभी पूरी ही नहीं होती है, और इनकेस अगर पूरी हो भी जाए तो भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो इसको बोला गया है थ्रस्ट और तन्हा। अब इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा, तो उन्होंने एक सॉल्यूशन बताया कि ये सब चीज़ें खत्म हो सकती है एक बीच का रास्ता अपना के, यानी कि जितना आपके पास है आप उतने में ही खुश रहो और सबसे अच्छे से बात करो, सबकी रिस्पेक्ट करो और थोड़े काइंड पर्सन बनो, दयालु बनो और एनिमल्स की भी रिस्पेक्ट करो और कर्मा पे थोड़ा विश्वास रखो। कर्मा होते हैं जो कि आप अच्छा और बुरा करते हो अपनी लाइफ में, तो उसका जो है रिजल्ट मिलता है आपको अभी की लाइफ में या फिर नेक्स्ट लाइफ में। तो इन्होंने जो पूरे उपदेश दिया है ना, ये एक नॉर्मल लैंग्वेज यानी कि प्राकृतिक लैंग्वेज में दिया है, जो कि लोगों को समझ आती थी अच्छे से। अब यहाँ पर एक आप ये फिगर देख रहे हैं, ये स्तूपा है सारनाथ में, जहाँ पे पहली बार बुद्धा ने अपना मैसेज लोगों को दिया था। अभी सिंपली लोगों को बोल रहे हैं कि आप अपने बारे में सोचो कि आप सामने वाले से कैसे और क्या बात बोल रहे हो। पहले अपनी गलतियों को, मिस्टेक को एक्सेप्ट करना सीखो। आप एक स्टोरी बताई है कीशा गोतामी की। अब ये बहुत फेमस स्टोरी है बुद्धा की। एक वीमेन होती है कीशा गोतामी, उसका बच्चा मर जाता है तो बेचारी बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा सैड होती है। तो एक कोई पर्सन है वो उसको बुद्धा के पास लेके जाता है, तो बुद्धा बोलते हैं कि ना ऐसा करो, मैं इस बच्चे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन तुम एक मुट्ठी सरसों के जो सीड्स होते हैं यानी कि मस्टर्ड सीड्स होती हैं, वो लेकर आओ, और ऐसे घर से लेकर आना है तुम्हें जहाँ पे कभी कोई मरा ही ना हो। तो ये खुश हो जाती है, अब ये भागी भागी जाती है, देखती है कि ना किसी कोई ऐसा घर मिले मुझे जहाँ पर कोई मरा ही ना हो कभी भी। तो ऐसा तो कोई घर होता ही नहीं है। ये जाती है कभी किसी के दरवाजे पे, कभी किसी के दरवाजे पे, लेकिन देखती है कि वहाँ किसी का फादर मरा है, किसी की मदर मरी है, किसी की सिस्टर, किसी के ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मतलब कोई ना कोई मरा हुआ होता है। तो ये फिर बहुत सैड होती है। तो इससे जो स्टोरी से ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कभी कोई मरता ही नहीं है, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा ज़रूर, तो आपको सैड नहीं होना चाहिए। उपनिषद। अब क्या था कि जब बुद्धा सब जगह अपना उपदेश दे रहे थे तो काफ़ी थिंकर्स थे, उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स थे, जैसे कि अगर हमने जन्म लिया है तो हम मरते क्यों हैं, क्यों सैक्रिफाइस यानी कि जो बलि वगैरह दी जाती है एनिमल्स की वो क्यों दी जाती है, क्यों हवन वगैरह करे जाते हैं,
क्या ये यूनिवर्स में सब कुछ परमानेंट रहेगा या कभी ये खत्म हो जाएगा और कब खत्म होगा, ये सारे डाउट्स थिंकर्स के माइंड में चलते रहते थे। अब ये जो उपनिषद है ना, इसमें डिस्क्राइब किया गया है आत्मन यानी कि इंडिविजुअल सोल, जो आत्मा होती है हमारी वो कभी नहीं मरती है, और जो ब्राह्मण यानी कि जो पूरे यूनिवर्सल सोल है वो भी कभी नहीं मरता है, और लास्ट में आके आत्मा और ब्राह्मण एक हो जाते हैं। अब ऐसे सारे आइडियाज ना उपनिषद में रिकॉर्डेड हैं जो कि वैदिक टेक्स्ट के बाद आए हैं। अब इसमें जो टीचर और स्टूडेंट के कन्वर्जेशन के रिकॉर्ड हो रखे हैं कि उन्होंने क्या क्या कन्वर्जेशन, क्या क्या बातें की थी और किस किस आइडियाज पे उन्होंने डिस्कशन किया था। अब यहाँ पर ये बॉक्स में बताया गया है 6 schools of Indian philosophy, 6 system थे फिलोसफी के, जो कि है विशाखा, न्याया, समाख्या, योगा, पूर्वा मीमांसा, वेदांता और उत्तरा मीमांसा। अब ये किसने फाउंड किया था उनके नाम भी यहाँ पे मेंशन है, कोनडा, गोतामा, कपिला, पतंजलि, जैमिनी, व्यासा, ये सारे हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट फ्राइडरिच मैक्स मुलर हैं, इन्होंने बोला है कि जो 6 system है फिलोसफी के, ये जनरेशन टू जनरेशन डेवलप होते आ रहे हैं, यानी कि पहले जो था उसमें कुछ थोड़ा और ऐड कर दिया थिंकर्स ने, फिर कुछ और ऐड कर दिया, ऐसे ऐसे करते करते इसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी आए हैं। द वाइस बैगर, अब चंदोग्य उपनिषद में एक स्टोरी लिखी गई है, यहाँ पर ये दो लोग होते हैं सौनक्य और अभी प्रतरिन। अब ये दोनों ना एक बार वर्कशिप यानी कि पूजा कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक बैगर आता है जब वो खाना खा रहे होते हैं तो, और वो उनसे खाना मांगता है, तो वो बोलते हैं कि ये तो हमारा खाना है, लेकिन वो बैगर कहता है अच्छा एक बात बताइए, आपके अंदर भी भगवान है और मेरे अंदर भी भगवान है, यूनिवर्सल सोल मतलब आप में भी है और मेरे में भी है, तो फिर आप मुझे खाने के लिए कैसे मना कर सकते हैं, यानी कि जो यूनिवर्सल सोल है उसकी आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो बोलते हैं हाँ ये बात तो सही है, तो फिर उस वो बैगर को अपना खाना दे देते हैं। तो सोचो बैगर कितना तेज होता है, उनसे खाना मांगने के लिए उनको कैसे चीजों को एक्सप्लेन करता है। अब जो मोस्ट उपनिषद थिंकर्स होते थे ना, मैन ब्राह्मण्स या फिर राजा हुआ करते थे, विमेन्स और जो पुअर पीपल थे उनको अलाउ नहीं किया जाता था, लेकिन इसमें एक बताया गया है गार्गी एक विमेन थी जो कि इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट रखती थी, तो ये एक्सेप्शन है और इसका नाम आपको लर्न करना है। और एक यहाँ पे पुअर पीपल है सत्यकामा जबला, जिसके जो टीचर थे वो ब्राह्मण थे गौतमा। उपनिषद के एक फेमस थिंकर बताए गए हैं यहाँ पर शंकराचार्य, जिनके बारे में हम क्लास 7th में पढ़ेंगे। पनिनी ये एक फेमस पर्सन थे जिन्होंने संस्कृत की ग्रामर लिखी थी और बहुत अच्छे से अरेंज किए थे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, इन्होंने एक तरीके से फॉर्मूला की तरह ही अरेंज किया था, जैसे कि एलजेब्रा में यानी कि मैथ्स में फॉर्मूलेज होते हैं, इस तरीके से इन्होंने संस्कृत के ग्रामर को भी फॉर्मूलेज में अरेंज किया था। जैनिज्म, अब मोस्ट फेमस थिंकर थे जैनास के, उनका नाम था वर्धमान महावीर, जिनका जन्म 2500 ईयर पहले हुआ था। ये क्षत्रिय प्रिंस थे लिच्छवी ग्रुप के, जो कि वाजी संघ का पार्ट है। अब इन्होंने ना जब ये 30 ईयर के थे, इन्होंने अपना घर ही छोड़ दिया था और ये जंगलों में निकल पड़े थे। 12 ईयर तक इन्होंने एक तरीके से तपस्या की थी अकेले रह के, तब जाके इनको एनलाइनमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनका एक सिंपल सा फंडा था, ये कहते थे कि जो लोग सच्चाई देखना चाहते हैं वो अपने घर को छोड़ दें, और उनको बहुत स्ट्रिक्ट रूल अपनाना पड़ेगा, जैसे कि अहिंसा यानी कि किसी को आप मार धार नहीं करोगे, ना ही किसी को हर्ट करोगे, ना ही किसी को मारोगे। और इनका जो उपदेश था ना वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में था, यानी कि जो लोगों को लैंग्वेज समझ आती थी उसी लैंग्वेज में ये उपदेश देते थे, जिसको बोला जाता है प्रकृत। अब प्रकृत जो मगधा में बोली जाती है उसे बोलते हैं मगधी, यानी कि उस लैंग्वेज को बोलते हैं मगधी। अब जो इनके फॉलोवर्स होते थे ना वो जैनाज होते थे, और वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे और भीख मांग के खाना खाते थे, और ईमानदार होते थे और वो चोरी चपाटी नहीं किया करते थे। उन्हें ब्रह्मचारी होना पड़ता था और उनको सब चीज़ें छोड़नी पड़ती थी, इवन उनको अपने क्लोथ तक छोड़ने पड़ते थे, सोचो कितना ज़्यादा टफ है। अब इतने स्ट्रिक्ट और इतने डिफिकल्ट रूल होते थे तब भी लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स ने,
लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने घर नहीं छोड़े और वो इन मॉन्क्स को और नन्स को सपोर्ट करते थे, मतलब फूड वगैरह भी देते थे, क्योंकि अगर सभी मॉन्क्स और नन्स बन जाएंगे तो भैया खाना कौन देगा, फूड कौन देगा। जैनिज्म को मोस्टली ट्रेडर्स और फार्मर सपोर्ट किया करते थे, लेकिन उनके लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि वो जो है इंसेक्ट वगैरह को नहीं मार सकते थे। अब एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में तो बहुत ज़्यादा ये इंसेक्ट वगैरह को किल करना पड़ता है क्योंकि क्रॉप को हमें प्रोटेक्ट करना है, तो बहुत डिफिकल्ट होता था इन लोगों के लिए। अब हंड्रेड्स ईयर में ना ये पूरा जो जैनिज्म है वो नॉर्थ इंडिया में फैल गया, यानी कि गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका वाले एरिया में जैनिज्म बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड हो गया। अब जो महावीर थे और जो उनके फॉलोवर थे वो ओरली सबको बताते थे, उस टाइम तो कुछ लिखा नहीं जाता था, लेकिन धीरे धीरे कर ये राइट डाउन भी करने लग गए। और जो वल्लभी गुजरात वाला जो पार्ट है ना, वहाँ पर पाई गई है काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें इनके बारे में इनके रूल्स वगैरह लिखे गए हैं, क्योंकि 1500 ईयर पहले था। अब आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है कि जैना का मतलब क्या है, यानी कि जीना, यानी कि जो जीत जाता है, जो हर चीज़ को जीत लेता है अच्छे से। द संघा, अब जो महावीर हैं और जो बुद्ध हैं दोनों की बातें एक जैसी लग रही हैं, मतलब दोनों बोल रहे हैं कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो अब घर तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये एक जगह पर तो रहेंगे ना, तो वो उस जगह का नाम है संघा, एक एसोसिएशन है जहाँ पर सारे ये लोग मिलते हैं और अपना एक तरीके से मीटिंग करते हैं। तो जो रूल्स है ना बुद्धिस्ट के, वो एक बुक में लिखे गए हैं, विनाया पतिका। अब इस बुक से ही हम पता लगा पा रहे हैं कि जो मैन और वुमेन से उनका सेपरेट सारे रूल्स वगैरह थे, और जो संघा है, अगर किसी को संघा ज्वाइन करना है तो चिल्ड्रेंस अपने पेरेंट्स से परमिशन लेंगे, जो स्लेव्स हैं वो अपने मास्टर से परमिशन लेंगे, और जो वर्कर्स हैं वो अपने किंग से परमिशन लेंगे, और जो डेबिटर है यानी कि जो जिसके पास ज़्यादा कर्जा है वो अपने क्रेडिटर से, जिससे उन्होंने उधार लिया है उनसे परमिशन लेंगे, और वीमेन जो है वो अपने हस्बैंड से परमिशन लेंगी। अब जो मैन और वीमेन ज्वाइन करते थे ना संघा, वो एक सिंपल लाइफ जीते थे और मेडिटेशन किया करते थे, और अगर उन्हें खाने के जैसे भूख होती थी तो वो भीख मांग के खाना खाते थे एकदम फिक्स आर में, यानी कि अगर उन्हें 2 बजे जाना है मांगने तो वो 2 बजे ही निकलते थे। इनको बोला जाता है भिखूस, जो कि मैन होते थे, और भिकुनीस जो फीमेल्स होती थी, और एक दूसरे की हेल्प भी किया करते थे, इनकी मीटिंग भी हुआ करती थी, और जो अगर झगड़ा वगड़ा हुआ है कहीं पे तो उस चीज़ को भी सॉल्व किया करते थे। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस संघ को ज्वाइन किया, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट्स, लेबरर, बार्बर्स, स्लेव्स, कोटेशंस, ठीक है, तो इन लोगों ने ज्वाइन किया था, और काफ़ी चीज़ें लिखी भी गई थी बुद्धा के बारे में, और ब्यूटीफुल पोएम्स भी लिखी गई थी। मोनेस्ट्रीज, अब मोनेस्ट्रीज क्या होती थी, जैसे जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे ना, वो यहाँ पे रहते थे, जैसे कि अभी पूरे साल भर तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, लेकिन रेनी सीजन में तो इनको एक जगह पे रहना पड़ता था ना, तो इनके जो सपोर्टर्स होते थे वो इनके लिए रहने के लिए जगह बनाते थे, या फिर नेचुरल केव्स, आप इस फिगर में देख सकते हैं केव बनी हुई है, वो बनाते थे, तो इन सबको बोलते हैं मोनेस्ट्री, जहाँ पे ये परमानेंटली रहा करते थे। मोनेस्ट्रीज को एक और वर्ड बोला गया है यहाँ पर, विहारास। अभी जो विहारास है ना, वो वुड के बने होते थे या ब्रिक के, या फिर केव्स जो बनी होती थी वो हिल्स को खोद के बनाई जाती थी, और ये सब वेस्टर्न इंडिया में ज्यादा होता था। अब इन्होंने यहाँ पे बॉक्स में बात बोली है कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट रिवर आके पूरे एक समुद्र में मिल जाती हैं, ऐसे ही जितने भी मॉन्क्स वगैरह हैं बुद्ध के, यानी कि जितने भी लोग हैं, वो लास्ट में एक ही जगह पर मिल जाते हैं, पूरी एक फैमिली बन जाती है बुद्धा की। अभी जो मोनेस्ट्रीज थी ना, इसमें क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे डोनेट होती थी, जैसे कि रिच मर्चेंट हैं, लैंड ऑनर्स हैं, और किंग हैं, वो लैंड डोनेट करते थे, और जो लोकल पीपल्स हैं वो फूड दिया करते थे गिफ्ट में, क्लोथिंग दिया करते थे, यानी कपड़े और मेडिसिन प्रोवाइड करवाया करते थे। ऐसे करते करते स्लोली स्लोली पूरे सब कॉन्टिनेंट में बुद्धिज़्म फैल गया था। अब नेक्स्ट है हमारा द सिस्टम ऑफ आश्रमास। ये जो ब्राह्मण लोग होते थे, इन्होंने डेवलप किया था इस सिस्टम को, आश्रमा सिस्टम को। इसमें जो है 4 आश्रमास थे, यानी कि जो लाइफ होती है ना वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है, 4 स्टेजेस में होती है, जैसे कि ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और सामन्यासा। या फर्स्ट वाला है हमारा
गृहस्थ यानी कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य मैन होते थे ना, उनको सबसे पहले तो वेदास पढ़ना होता था, तो ये वाला जो टाइम पीरियड था उसे बोला गया ब्रह्मचार्य, और उसके बाद जब उनकी शादी हो जाती थी तो उसे बोला गृहस्थ, और फिर उसके बाद वो इन सब चीजों को छोड़ के फॉरेस्ट में मेडिटेशन के लिए चले जाते थे, उसे बोला गया है वनप्रस्थ, फिर लास्ट में फाइनली सब कुछ उन्होंने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, तो उसको बोलेंगे संन्यासिन्स। अब हमें ये तो पता है कि जो वेदास होते थे वुमेन्स नहीं पढ़ती थी, और अगर उन्हें कोई आश्रम चूज करना होता था तो वो अपने हस्बैंड से पहले परमिशन लेती थी, या फिर जो उनके हस्बैंड फॉलो कर रहे हैं उसी आश्रम को वो फॉलो करती थी। एल्सवेयर, सबसे पहले अपने एटलस में देखो कि ईरान कहाँ पर है। यहाँ पर एक जोरेस्टर थे, ईरानियन प्रॉफिट, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी अवेस्ता, जो कि सिमिलर थी वेदास की, और उसमें बताया गया था कि हमें गुड थॉट्स यानी कि अच्छे विचार होने चाहिए, हमारे जो हमारे शब्द हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, और जो हम काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और भगवान हमें इतनी शक्ति दे कि हम शांत रह सकें और लोगों में पीस और हारमोनी बना के रख सकें। तो मोर देन जब 1000 ईयर्स हो गए तो जोरास्ट्रिज्म एक धर्म बन गया था जो कि ईरान में अपनाया गया था। बहुत सारे जो जोरास्ट्रिज्म थे वो माइग्रेट हुए ईरान से इंडिया में, तो यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र वाला एरिया है ना, वहाँ पर जो फारसीज लोग रहते हैं वो इसी रिलीजन के हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इनकेस फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।